खबर मध्य प्रदेश की रीवा जिले से है, जहां तेज रफ्तार टैंकर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। कार में सवार लोगों को चोट आई है। सूचना मिलने पर जब पुलिस पहुंची तो कार में अंग्रेजी शराब व देसी कट्टा बरामद हुआ है। पुलिस ने कार को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया है। बताया जाता है कार में अंग्रेजी शराब लोड कर तस्कर पैकारी में बिक्री के लिए लेकर जा रहे थे। कार जैसे ही नई गढ़ी के रामपुर के समीप पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक डीजल टैंकर से जोरदार टक्कर हो गई। इस दौरान कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और कार में सवार लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी होने पर जब एक स्थानीय लोग पहुंचे, उससे पहले ही कार में सवार घायल उससे निकलकर फरार हो गए। मामला संदिग्ध देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें 8 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। गाड़ी के अंदर एक कट्टा भी बरामद हुआ है। कार छत्तीसगढ़ पासिंग बताई जाती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार में शराब और कट्टा बरामद हुआ है। सुनाते हैं प्रत्यक्षदर्शियों और मासूम ने पूरी घटना के संबंध में क्या जानकारी दी है। का नाव है तुहार बतावा बोला बोला का नाव है करण ये एक्सीडेंट भेजे देखे थे तुम्हें का आए? तो जो आगे बैठे उनके कहाँ कहाँ चोट लगी रही बहुत जगह कहाँ कहाँ फिर उनका लाइक देखे थे तू लाइक बहुत जल्दी आए तो लाइक गए ये मैं और अंदर का काम मिला रहा तो मन अब फिर हटा देंगे छोटे छोटे बच्चे नहीं तो कुछ निकल रहा कहे तो बाबा के का निकल रहा कई ठे गन रही एक ठे और का लदा रहा पीछे अब नहीं जानता ना। ये रामपुर की जो दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी है जी, जिसका आज से 3 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, अंदर किसी देख के आप समझ सकते हैं कि जो बैठे रहे होंगे क्या स्थिति हुई रही होगी उनकी। लेकिन जो घायल हैं उनको आज तक पता नहीं है, और इसमें प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है 8 पेटी शराब लोड थी और पिस्टल भी बरामद हुई है। ये है वो गाड़ी और इस टैंकर से एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दुर्घटना के वक्त तत्काल लेके गया कौन इनको।